एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। झांसी में अजय लल्लू ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ललितपुर में गाय मर रही है। लल्लू ने कहा कि 26 दिसंबर से बुंदेलखंड में गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा होगी। बांदा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में आए 5 कंपनियों ने 178 अभ्यर्थियों को रोजगार दिया और सभी चयनित अभ्यर्थियों को डीएम ने प्रमाण पत्र बांटे। इस मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। हमीरपुर में पुलिस ने 7 साल के मासूम की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में मासूम की मां को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो मां ने ही अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए अपने बेटे की हत्या की और उसके शव को छिपा दिया। जालौन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। यहां पर एक लेखपाल रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ। लेखपाल रॉनी बनाने के लिए 3,000 की रिश्वत ले रहा था। अब सोशल मीडिया पर रिश्वतखोरी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। चित्रकूट के सांसद आरके सिंह पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरके सिंह शहर के कसाई रोड में अपने घर पर होम क्वारंटीन है और अब सांसद प्रतिनिधि समेत सुरक्षा कर्मियों की कोरोना जांच करवाई जा रही है। ललितपुर में एक हिरण अचानक कुएं में गिर गया। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने वन विभाग को इस बारे में बताया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से इस हिरण को बाहर निकाला, उसकी जान बचाई। महोबा में गरीबों को कंबल बांटे गए। व्यापार मंडल ने सैकड़ों गरीबों और असहाय लोगों को कंबल दिए। कंबल मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।